This हाँ call is now मैम, being recorded. मैम हाय एवरीवन. हाँ बोलो काजल. आपने वो पोल रिजल्ट नहीं भेजा? भेजा था बेटा, भेजिए भेजा था हुआ है, मैम. भेजा था. हाँ हाँ भेज दे चेक भेज कर, दे. भेजा हुआ है ना. चलो कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, जल्दी से हैंड रेज करो. नहीं नहीं ठीक है. गुड गुड गुड. चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. हम लोग रिवीजन कर रहे थे और हमने काफी क्वेश्चंस कर भी लिए थे, तो हम उसके आगे से ही कंटिन्यू करते हैं. तो मिक्स मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनका सॉल्यूशन देना है, बट आप सोच समझ के करना है. ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन. पहले सॉल्व करो ध्यान से, जीरो ध्यान. अगर किसी को क्वेश्चन में ऑप्शंस में कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो तब भी पूछ लेना. ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, 222.358 मैम सिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है 1000 से. गुड, अंजलि ने किया और अंजलि का ठीक है, बाकी किसी को कंफ्यूजन हो तो भी पूछ लेना. वेरी गुड, ओके बेटा सब आंसर करो, रॉन्ग भी होगा कोई बात नहीं. हाँ मैम एक बार रुक जाओ. हाँ मैं रुकी हुई हूँ. छह बच्चों ने कर दिया है. बच्चे मुश्किल लग रहा है क्या क्वेश्चन? नो नो मैम. मैम. ना, आपका हुआ ओके. चलो हिना ने भी कर दिया है. अब देखो पहले आप इसको, अभी डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इसके पीछे 3 0 लग जाएगी. ओके गुड, इसके पीछे 3 0 लग जाएंगे. सो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख रही हूँ, तो इरेज करके 3 0 लग जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, अब आपको डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है? 4. 4 डिजिट्स के बाद है, तो आप काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा. तो ये ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए था, यस मैम. है ना? ये बट काफी बच्चों का रॉन्ग हुआ था बेटा, ऐसा क्यों? मैम मैंने 3 0 ले ली थी नीचे. तो जीरो तो नीचे 3 ही है ना, 0 तो 3 है काजल. मैम ये पॉइंट जाकर ओके देखो मैं, 1000. अच्छा मैं एक सिंपल सा वो बताती हूँ, जैसे आप लोगों को याद भी होगा हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे ऐसे. जैसे फॉर एग्जांपल 2.22 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, कितने जीरो है यहाँ पर? एक नहीं तो जीरो, मैम तो एक डेसिमल पीछे चली. एक डिजिट पीछे चला जाएगा. अगर है 4.329, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जीरो है, ठीक है, तो ये 1 2 2 डिजिट पीछे चला जाएगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे, 1 2 3 3 डिजिट पीछे चला जाएगा. सबको समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन में पीछे जाएगा मैम अगर इसकी जगह डिवीजन होती. फॉर एग्जाम्पल 2.22 को आप 10 से डिवाइड कर रहे होते तो आपका डेसिमल किस साइड जाता? लेफ्ट साइड जाता. मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में आपका डेसिमल जो है वो डेसिमल शिफ्ट टू राइट साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड. जबकि डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में जो डेसिमल होगा वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर. जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 4.329 को 100 से डिवाइड करती हूँ, क्या आ जाएगा डायरेक्ट बता दो?
मैम 4.329। हाँ, दो जीरोस हैं यहाँ पर, तो आप दो डिजिट्स इस तरफ को शिफ्ट कर दोगे, 4.329 इस तरह। सबको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा? क्लियर? ओके, अब अगला क्वेश्चन करें, सब ध्यान से करना ये, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग हुआ भी तो टेंशन नहीं लेना, आगे वाले क्वेश्चन सब ठीक ठीक करना। डिवीजन का क्वेश्चन आ गया, वेरी इजी। मैं एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो, 34 के बाद डेसिमल है, देन मैम 34 के बाद डेसिमल 286 को डिवाइड करना है 100 से। वन दो मिनट रुक जाओ, देन मैम। गुड, दो मिनट रुक जाओ। ओके ओके, मैं रुकी हुई हूँ, आराम से करो। आई हैव डन मैम। वेरी गुड, इस बार सबने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, किसी ने भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है। हाँ हाँ, अभी मैं रुकी हुई हूँ, जब तक सब कर नहीं होता आगे नहीं बढ़ेंगे। रितिका, साक्षी, आप दोनों रह गए शायद, रितिका और साक्षी, आप दो, विजय की आईडी से साक्षी है ना? मैम आपके पास मेरे पोल रिजल्ट आ रहे हैं बेटा? वो मुझे ना क्लास के बाद पता चलता है, आपके पास से सबमिट हो रहे हैं ना? मैम हो तो रहे हैं, पर आज मैंने अभी ना एसआरएन के ज्वाइन किया, क्योंकि एसआरएन ज्वाइन नहीं हो रहा था इसलिए। ओके, क्या नाम है आपका? सॉरी, हिना है ना? हिना क्यों नहीं हो पा रहा था बेटा एसआरएन के साथ ज्वाइन? पता नहीं मैम क्यों नहीं और हुआ, किसी को क्योंकि भी दूसरा इशू आया क्या ये? नो मैम। ओ मैम ओके, ठीक है हिना, एक बार आप ना ग्रुप में मैसेज कर देना ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए, ठीक है? नो मैम, ग्रुप में भी नहीं कर सकती क्योंकि नानी के घर गई है मम्मी वो फोन लेके। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मुझे मुझे एक बार बस क्लास के बाद रिमाइंड करा देना हिना, है ना? और जब भी आप देखो, जब भी आप अगर वैसे कभी मत किया करो, जब भी अगर आप कभी एसआरएन के बिना ज्वाइन करते हो, आप ना ऐसा करना ही ना, वो मैसेज अपने पास, अपने जो आपका अभी इस वाले फोन में जो व्हाट्सएप कर रहा हो उसमें फॉरवर्ड करवा लेना, है ना हिना? या मैम, जो मैसेज है ना क्लास का लिंक वाला, वो आप अपने फोन में फॉरवर्ड करवा लेना, जो भी फोन आप अभी यूज कर रहे हो, तो आप मैम वो उससे भी नहीं हुआ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कभी भी ऐसे एसआरएन वाली प्रॉब्लम आया करे ना, प्लीज अपना नाम बता दिया करो, जिस दिन भी आप मतलब अगर आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करते हो तो बता दिया करो, ताकि आपकी अटेंडेंस का भी कोई इशू ना हो, ठीक है? मैम मैंने इसका एसआरएन जोड़ लिया वैसे तो, अच्छा क्योंकि फिर मैंने इसकी ठीक, लग नहीं थी। ओके ओके, हाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके बच्चों, गौरव सर ने कोई बात करनी, गौरव सर आप अभी पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। बच्चों आर्यन है अभी यहाँ पे? आर्यन, यस, अभिषेक के यस सर। ओके आर्यन बेटा, अभी अनम्यूट करके मुझे दो चीज पूछनी है आपसे। ये बताइए, आपने जो असेसमेंट किया था, जो लास्ट वीक मैम ने आपको भेजा था, तो उसमें आपने लिखा था कि आपको ना कुछ अलग इशू आया था, टेक्निकल इशू आपने एक किया था, है ना? लेकिन अगर मैं, आपने बताया कि आपने एक होमवर्क किया था, लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे आपका एक का भी डेटा हमारे पास नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है जो है, तो आप बता सकते हो आपने पहली क्लास वाला किया था या सेकंड क्लास वाला होमवर्क किया था बेटा? हेलो आर्यन, अनम्यूट करके बता सकते हो, माइक ओपन करके। आर्यन बेटा, माइक ऑन करके बता सकते हो आप? हेलो आर्यन, मेरी आवाज आ रही है यस आप तक? सर। हाँ ठीक है, तो आपने कौन सा वाला किया था, पहला वाला या सेकंड वाला? सर पक्का नहीं पता। अच्छा, पक्का नहीं याद है? ओके आपको ओके, क्वेश्चन याद है आ रहे हैं? किस टाइप के क्वेश्चन थे उसमें?
कोई बात नहीं आर्यन, थोड़ी देर के लिए चलो माइक ऑफ कर लो और मुझे ये बता दो बस कि आपको जो इशू आया था वो क्या इशू आया था, टेक्निकल इशू जो था, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी ना आपको, आपने लिख रखा है कि कोई अलग इशू था, वो आप मुझे बता दीजिए बस। या फिर एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको सेपरेटली कॉल कर लूंगा, क्योंकि आपका जो नंबर मेरे पास है वो आपका स्विच ऑफ दिखाता है हर बार, तो आपको मैं सेपरेटली कॉल कर लूंगा, आप मुझे यहाँ पे नंबर दे दीजिए अपना जिससे मैं कॉन्टेक्ट कर सकूँ आपसे। मैं आपसे जो भी है मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, बस आप अपना मोबाइल नंबर इसमें यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यू कैन ओके कंटिन्यू। ओके थैंक। चलो तो सभी ने, हाँ ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब तो अभी तक जितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है सभी का बिल्कुल ठीक आंसर आया है। मैंने अभी क्या बताया था कि डिवीजन में हमें क्या करना है, डिवीजन में हमें राइट साइड चलना है, सॉरी लेफ्ट साइड चलना है। तो एक डिजिट, अब दो जीरो हैं तो 1 2, टू डिजिट्स पीछे आ जाएंगे 0.3428 6, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी गुड, इसी तरह करना है सबने, सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन करें। यस चलो गुड मैम। गुड। अब अगला क्वेश्चन है डिवीजन का, अलग से 17 को डिवाइड करना है 0.2 से। आप लोग इतने सॉल्व करो, मैं बोलती हूँ सब बच्चों को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से करना बच्चों। ये आप इसे फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन की डिवीजन भी सबको आती है ना, फ्रैक्शन में कर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल कर और उसका रेसिप्रोकल लेकर आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर किसी को डाउट हो क्वेश्चन करने से पहले बिल्कुल पूछ लेना। वेरी गुड, चलो शाबाश। जल्दी जल्दी से जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो भी करेंगे इस क्वेश्चन को। किसी को कोई डाउट आएगा क्वेश्चन करने में तो पूछ लेना। जिन बच्चों ने होमवर्क के क्वेश्चन किए थे ना उनका बिल्कुल ठीक है, जैसे अंजलि ने किया था, काजल ने किया था और हिना ने किए थे होमवर्क के क्वेश्चन, तो देखो उन तीनों ने सबसे पहले कर दिया और इन तीनों का ठीक भी हुआ है। होमवर्क के क्वेश्चन इसीलिए आपको दिए जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी, है ना, उन क्वेश्चंस को किया करो। बेशक ऐसे जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन करके करो, आप अगर जल्दी जल्दी में, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखो अभी काफी बच्चों का मैं देख पा रही हूँ, प्रीति ओके सॉरी मोहित की आईडी से बेटा हिना है। चलो सभी ने कर दिया है, बट अगर मैं अब आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊं, आधी 50% का सही है। अब सबकी नजरें मेरी स्क्रीन पर होनी चाहिए, ठीक है। 17 को किससे डिवाइड करना है बच्चों, 0.2 से डिवाइड करना। ओके तो हम 17
डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं, यस सकते हैं, ओके। नाउ वी विल चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, बट उसके साथ हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 2 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल 10 अपॉन 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 5 आर 10 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव अस 85, करेक्ट, समझ में आया। काफी बच्चों को लग रहा होगा कि आपने 17 और 2 को डिवाइड किया, फिर डेसिमल की प्लेस वैल्यू देख ली कि अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डिवीजन में। बेटा डिवीजन में ऐसा नहीं होगा, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है वो यही सोच रहे थे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। पहले 17 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आप मल्टीप्लाई करके कैसे, 70 को 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसे डिवीजन वाले मेथड से देखना चाहो ना, तो डिवीजन में कैसे होता है, आप 0.2 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 17 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो यहाँ वाला डेसिमल होता है ना उसे हम एक डिजिट पीछे मूव करते हैं। अगर इसे एक डिजिट पीछे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर डेसिमल है 17 के साथ, कोई डेसिमल है मैम? जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, 0.2 को अगर हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मैं इसे 17.0 लिख सकती हूँ, दोनों को डेसिमल में ले आएंगे, लिख सकते yes, हैं ना? इसका जो डेसिमल है इसको एक डिजिट पीछे करना है, अगर हम इसको एक डिजिट पीछे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.2 के डिजिट को एक उसमें 2 बन जाएगा ना, या तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, लेकिन आप कुछ भी ऐसे तो नहीं कर सकते ना, अगर हमने उसके डिजिट उसके डेसिमल को एक डिजिट पीछे किया है तो डिविडेंड के डेसिमल को भी एक डिजिट पीछे करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन गया, हमारा डिवाइजर क्या बन गया और डिविडेंड क्या बन गया, 170 बन गया ना, 0.0, फिर उसके बाद लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। अब आप इसे डिवाइड कर दो, 2 8 16, 2 5 10 आ गया ना 85। और मैम अगर ये ऐसे ऐसे ओके वन बाय वन, अंजलि फर्स्ट यू गो। मैम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस मैंने आपको ये मेथड बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, और कहीं भी ना हम इस मेथड का इस्तेमाल बहुत रेयरली करते हैं क्योंकि आपके पास इतनी छोटी कैलकुलेशन होती नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन होती है और उनको आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो वो ज्यादा ईजी हो जाता है, तो यही वाला मेथड ज्यादा काम आता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 1.7 को डिवाइड करने को बोल दिया जाता, 1.7 को डिवाइड करो 0.2 से, तब भी यही वाला मेथड बेस्ट रहता, आप 17 को 17 अपॉन 10 लिख दो, 0.2 को 2/10 लिख दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इज ऑलवेज बेस्ट। तो 17 डिवाइडेड बाय 10, डिविजन मल्टीप्लीकेशन और इसका रेसिप्रोकल, 10 से 10 कट गया, अब 8.5 आ जाएगा जब आप 17 को 2 से डिवाइड करोगे। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रॉन्ग हुआ भी है तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्वेश्चन करो, चलो ध्यान से करना बट सब बच्चे। जीरो पॉइंट 208 को डिवाइड करना है 65 से, चलो आराम से करो कोई बात नहीं, इसको याद रखना कि फ्रैक्शन में बदल के करोगे तो इजी रहेगा ये क्वेश्चन, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, फ्रैक्शन में बदल के इसे सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन में बदलो, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलो, 65 का रेसिप्रोकल लो, 3 स्टेप्स है।
बच्चों ने कर लिया है। मैम एक मिनट रुक जाओ, सबमिट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, अभी तो तीन ही बच्चों ने सबमिट किया है। थोड़ा सा शायद एंड में आके आपको डिवीजन में डिफिकल्टी आ सकती है। एक बार जिन्होंने सबमिट कर लिया अपना आंसर चेक कर लो, कहीं डेसिमल में तो गड़बड़ नहीं कर दी है। क्योंकि अभी तक किस किस ने किया है, हाँ अभी तक जिसने भी सबमिट किया है उनमें से आधों का ठीक है, आधों का रॉन्ग है, एक डेसिमल, एक एक प्लेस वैल्यू की गड़बड़ हुई है बच्चों की, तो इसलिए सब चेक करो। अगर किसी को लगता है आंसर चेंज करना चाहते हो, अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा का रॉन्ग होगा तो मैं दोबारा से ये पोल करूंगी। कौशिका, प्रिया, हिला, कर रहे हो बेटा ट्राई? मैम ये मेरी तो कुछ और ही आ रहा है। क्या आ रहा है? कौशिका, अंजलि, यहाँ पर मुझे पांच बच्चों के हैंड रेज नजर आ रहे हैं, सबमिट सिर्फ चार ही बच्चों का हुआ है, जिनमें से दो का ठीक है, दो का गलत है। चलो बच्चों, कोई डाउट है क्या? मुझे लग रहे हो थोड़े। मैम कर रहे हैं बस, तो कर रहे हो ना? अच्छा हाँ, मतलब बता दिया करो मुझे कि कर रहे हो, टाइम लग रहा है करने में। अंजलि रही है मैम। ठीक है, हिना आपको पता चली मिस्टेक कहाँ पर हुई है? कौशिका, प्रिया, अच्छा ठीक है कर लो आराम से। दीपिका एक बार बता ना, आपको दिखा। हाँ ठीक है, हाँ दिखा दो अपना आंसर, कोई बात नहीं, जिस स्टेप में कंफ्यूजन लग रही है। ओके थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ सॉल्यूशन। देखो अंजलि, एक मैं सजेशन देती हूँ, 1000 को कट मत करो, आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता जाएगा। 1000 को जहाँ है वहीं रहने दो, पीछे 208 है, 208 है ना, क्या है 208 को 65 से डिवाइड करो, भले ही डेसिमल में आ रहा है, ठीक है? आपको पता है ना, अगर हम डेसिमल के नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है डेसिमल, यही होता है। तो वो वाली अप्रोच यूज करो सभी बच्चे, 1000 को कट मत करो, आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा उससे। 1000 को जहाँ है वहीं रहने दो, 208 और 65 को आपस में डिवाइड करो, डेसिमल वाला नंबर बनेगा कोई ना कोई, ठीक है? डेसिमल वाला नंबर बनेगा, 32 ही आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में वो ही है, डेसिमल में 32 आएगा, कितने जीरोस लगेंगे, कितना डेसिमल आएगा वो आपको देखना है, और उसको 1000 से जब आप डिवाइड करोगे, आपको पता ही है अगर हम 1000 से 10 से हमें क्या होता है, डेसिमल राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। इसको आपने सबने ये तो लिख ही लिया होगा, 208 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/65। अब आपको करना क्या है, 208 को डिवाइड करना है 65 से, यहाँ पर कोई डेसिमल वाला नंबर आने वाला है आपका, हो गया मैम? ओके
हाँ है ना, आपका हुआ वेरी गुड। अब सब ठीक है ना, कौशिका, दीपिका, प्रिया, आर्यन ने तो कर दिया सबमिट। प्रिया, दीपिका, कौशिका, आप तीनों रहते हो। बच्चे समझ में नहीं आ रहे तो पूछ लो आप तीनों भी, या नोटबुक दिखा सकते हो आप अपनी। मैम बस थोड़ा सा रहता है। ओके, कौशिका और दीपिका आप दोनों का। ओके जब हो जाए तो बच्चे बता देना आप तीनों, दीपिका और प्रिया आप दोनों बता देना, ठीक है, जब हो जाए आपका। चलो अच्छा प्रिया ये बता दो कि आपने डिवाइड कर लिया 265 को। मैम कर रही हूँ। चलो अच्छा साथ में कर लो, पहले मुझे लगता है 65 थ्री जार होगा है ना, क्योंकि हर जगह थ्री है तो आप थ्री यस और टू मैम। ट्राई करो। 65 थ्री जार कितने हुए, 195 अब कितने बचे रिमाइंडर, क्या बचा, मैम, 13 मैम, थर्टी। और हाँ पॉइंट काजल लगा आप के कुछ, 0 नहीं हाँ काजल आप कुछ कह रहे थे। हाँ ये खुद काजल आप 65 अब क्या होगा, कर कर रही रही है हो, ये ठीक है क्वेश्चन करो। जाएगा मैम, 2 पे जाएगा मैम, नीचे जाएगा ना, कितने 65 टू जार 130 135। हो जाएंगे। अब इसके यस आगे मैम, प्रिया आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, 2.2 कोई डिवाइडेड और बाय नहीं 130। बोलेगा, प्रिया और दीपिका आप दोनों बताओगे, आप दोनों का क्वेश्चन रहता है तो आप दोनों ही बताओगे क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया बेटा। आपको ये भी बताया था मैंने अभी कि जब डेसिमल होता है मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, डिविजन में लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, तो क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आएगा। प्रिया एंड दीपिका बच्चे पता है कि नहीं पता है, मैम जो ये 3 जीरोस है ना वो उसके आगे शिफ्ट हो जाएंगी डेसिमल। थ्री के आगे मैम। हाँ ठीक बोला प्रिया ने बिल्कुल, क्योंकि प्रिया हमारे पास 3 जीरोस है तो अब देखो डेसिमल यहाँ पर है तो हमें 1 2 3 तीन डिजिट पहले आ जाएगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे है ना। यहाँ पे डेसिमल था तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.032 इसका आंसर होगा। समझ में आया सबको, कोई बात नहीं अगर बाकी बच्चों का रॉन्ग भी हुआ है ओके, बट समझ में आया यस मैम। ठीक है सबको किस तरह से करना है। देखो अगर कभी भी ना आपके डिनोमिनेटर में 110,000 कुछ भी इस टाइप का रहे, 2000 या कुछ भी, आप उसे सॉल्व मत करो, क्योंकि वो एंड में जाके आपकी कैलकुलेशन इजी बनाने के काम आएगा ही आएगा है ना अंजलि, एंड इससे इजी हो गई ना कैलकुलेशन। यस मैम। तो हमेशा ये वाली अप्रोच यूज करना, क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा बट बहुत ज्यादा लंबा उसमें प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। तो सबको क्लियर हो गया मैम ये मैम, ऊपर आपने मल्टीप्लाई कैसे किया है? यहाँ पर इस स्टेप में। यस मैम। चलो मैं बता देती हूँ दोबारा से, देखो 208 को इसको आप फ्रैक्शन में अगर बदलोगे तो कैसे बदला जाएगा ये बताओ, फ्रैक्शन में बदल के क्या लिखा जाएगा, 208 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा जाएगा। यस मैम। ठीक है प्रिया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जब बदलता है हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यही प्रोसीजर होता है डिवीजन का, यस मैम। बस ये किया है हमने, हमने कुछ नहीं किया, 1000 को एज इट इज रख दिया, 208 को 65 से डिवाइड किया है, ठीक है, ओके वो मैम। डिवीजन आपने देख ली थी। यस मैम। चलो अब रैशनल नंबर पर आ जाते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था।
बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इनमें से रैशनल नंबर बताना है कौन सा है, फटाफट से जल्दी से सबमिट कर दो, सभी को रैशनल नंबर पता है। वेरी गुड वेरी गुड, ये आपका ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि इसमें आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी कवर होता है, तो ये तो किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। स्क्रीन नहीं आ रही है मैम। हाँ जी काजल मैम, अब आ गई मैम, ओके ओके ओके। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, काफी बच्चे शायद ऐसा करते हैं कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, जो ऑप्शन लगा सही उसे टिक कर दिया। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, एक मिनट रुको मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से दूंगी, दोबारा से आंसर करना सब ठीक है, एक मिनट रुको, अभी कोई आंसर नहीं करेगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, p और q पूर्णांक सॉरी p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर p और q क्या होते हैं, रैशनल नंबर। बेटा रैशनल इरैशनल नहीं, जो p अपॉन q की फॉर्म में होता है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ऐसा नंबर जिसे आप इस फॉर्म में ला सकते हो। अब करो इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा से। एक भी क्लास मिस करना आप लोगों को, ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का, और ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आप नहीं बेटा इंटीजर, इट्स नॉट नेसेसरी कि पॉजिटिव इंटीजर, एनी इंटीजर, ओके। चलो फटाफट से जो बच्चे रह गए हैं वो आंसर करो। दीपिका रितिका हैंड रेज ज्यादा बच्चों के होते हैं, आंसर कब का सबमिट हुआ है, चलो क्वेश्चन की पाएंगे आते। चलो जी 5 seconds और, 5, 4, 3, 2 and 1। अच्छा ये क्वेश्चन था बहुत इजी और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पूरी क्लास इसका करेक्ट आंसर देगी, बट मैक्सिमम ने 5 किया है। 5 रैशनल नंबर क्यों नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता मैम, हमें 5/1 आएगा, ये तो रैशनल नंबर है ना, देखो -7/8 p / q की फॉर्म, 5 को 5/1 लिख सकते हो, 3.4 को 34/10 लिख सकते हो, √7 बेटा ये तो क्लियरली इरैशनल नंबर है ना, ये तो क्लियरली इरैशनल नंबर है क्योंकि ये √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बताओ जल्दी से किस किसने 5 किया था, ईमानदारी से बताओ, मैं उसको समझाऊंगी स्पेशली, किस किसका रॉन्ग हुआ ये क्वेश्चन। प्रिया ने, प्रिया आपको नहीं पता रैशनल नंबर्स क्या होता है या भूल गए हो? भूल गए मैम, भूल गए, अभी मैं एक बार ही रिवाइज कर रहा हूँ। रितिका प्रिया जिनके जिसका भी रॉन्ग हुआ है, चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं बता देती हूँ। देखो रैशनल, आप फॉर एग्जाम्पल एक उससे समझाती हूँ मैं, कोई एक बच्चा है ठीक है, उसके पास है एक बैग जहाँ पर पड़े हुए थे नंबर्स, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे पड़े हुए थे। अब उसने ये सारे नंबर्स अपने बैग में डाल लिए, तो उस बैग को क्या नाम देगा वो बच्चा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नाम देगा। सभी बच्चे एग्री करते इस बात से, ठीक है। अब आगे जाके उसे जीरो भी मिल गया, उसने वो जीरो भी अपने इस बैग में डाल दिया, तो उसका बैग अब क्या, उसका बैग नेचुरल नंबर कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा बच्चों उसका बैग, प्रिया उसका बैग क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, वेरी गुड प्रिया, होल नंबर कहलाएगा। लेकिन अब आगे जाके उसको ये जो नेचुरल नंबर थे ना, इन्हीं के नेगेटिव वाले भी मिले, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, अब तो इन्फिनिट, नेगेटिव इन्फिनिटी,
उसने ये सारे नंबर भी पिक किए और अपने बैग में, ये बैग यही सेम बैग चल रहा है, नेचुरल नंबर में ऐड करता जा रहा है, होल नंबर में उसने सर ये सारे नए नंबर ऐड कर दिया। अब उसके बैग का नाम क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर हो गया क्या? हाँ, अब इसमें नए नंबर ऐड हो गए तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है, इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इंटीजर आ गए, अब आगे जाके उसको क्या मिले? कुछ इस तरह के नंबर्स मिले, जैसे 3/2, -3/2, 4/8, है ना, 4/8 हो गया, 3.2। अब देखो जो 3.2 है उसको आप 32/10 भी तो लिख सकते हो, 3/2 को 1.5 भी तो लिखते हो, है ना, 1/2 का मतलब 0.5 भी तो होता है। तो फ्रैक्शन और डेसिम, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, ये दोनों तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो चाहे वो 3.2 हो चाहे वो 32/10 हो, एक ही बात है, एक ही बात है ना? Yes, ma'am. तो आगे जाके उसे इस टाइप के नंबर मिले, ये सब भी उसने अपने बैग में डाल लिया। अब उसका बैग क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। अब ये बात मेरी ध्यान से देखो, क्या इस रैशनल नंबर के बैग में 5 है? Yes. है ना, रैशनल नंबर के बैग में 5 है, 5 तो सबसे पहले पिक किया था उसने। क्या रैशनल नंबर के बैग में 0 है? Yes. No. है ना? क्यों? वो तो पिक करते हुए आ रहा है ना, उसने नेचुरल नंबर डाले, उसने नेचुरल नंबर में होल नंबर डाल दिया, 0 0 पिक कर लिया, उसके बाद आगे जाके उसने सारे नेटिव वाले नंबर उठा लिए, बैग में से कोई नंबर गिरा तो नहीं रहा है ना, वो सेम बैग लेके चल रहा है बच्चा, समझ रहे हो बात को? ये बच्चा सेम बैग लेके चल रहा है ना, जैसे आप सब्जी की दुकान पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सब्जियां खरीदने जा रहे हो, आपने पहले कोई एक सब्जी ली, उसी बैग में दूसरी सब्जी डाली, उसी बैग में तीसरी सब्जी डाली, तो वही सेम चीज ये बच्चा कर रहा है ना। तो क्या जीरो अब इस रैशनल नंबर के बैग में है? Yes, ma'am. है तो जीरो, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जीरो एक रैशनल नंबर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसमें अंडर रूट 7 जैसी वैल्यू है? No, ma'am. नहीं है ना, तो क्या वो रैशनल नंबर होगा अंडर रूट 7? अगर मैं ऐसे अंडर रूट 0 के है तो अंडर रूट 0 तो 0 ही होता है। 0 एनीथिंग, एक मिनट, 0 की पावर चेक करनी पड़ेगी हमें। मैम अगर अंडर रूट 4 हो तो बेटा वो 0 ही रहती है, वो 0 ही रहेगा, तो इसको मैम रैशनल कहेंगे इरेशनल। देखो अगर हम इसकी बात करें, अंडर रूट 16 की बात करें, बेसिकली यहाँ जितने नंबर है ना, आप नंबर को उस फॉर्म में नहीं देते, उसको आप सॉल्व करके किस फॉर्म में ला पा रहे हो, ठीक है। जैसे 16 आ गया, ठीक, अंडर रूट 16 आ गया, अंडर रूट 16 का मतलब 4 है ना, तो आप इसे भी रैशनल नंबर में कहोगे, अंडर रूट 16 की वैल्यू तो 4 है ना, तो मैम अंडर रूट 0 को रैशनल कहेंगे। अंडर रूट 0 की, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो जाए वो जीरो ही रहता है, जीरो की पावर मतलब जीरो का किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हो उसकी पावर, तो वो भी रैशनल नंबर, उसकी वैल्यू जीरो होगी, बेसिकली उसकी वैल्यू जीरो होगी, है ना, उसकी वैल्यू जीरो है तो वो आएगा जीरो में, समझ रहे हो बात को? जीरो के केस में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है। अब जीरो की पावर, अगर जीरो की पावर -1/2 हो जाती है तब आप, तब वो नंबर थोड़ा अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो जीरो के केस में अगर सिर्फ जीरो आ रहा है किसी चीज को सॉल्व करके तो वो रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर सॉल्व करके इस फॉर्म में आ रहा है तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया रैशनल नंबर का? सबको क्लियर है? जो हमारे ऑप्शन थे वो क्लियर हो गए कि अगर 5 है तो वो रैशनल नंबर में क्यों आ रहा है, 0 है तो वो रैशनल। एक मिनट क्वेश्चन भी करेंगे। अब आगे जाके उसको कुछ इस टाइप के नंबर मिलते हैं, जैसे अंडर रूट 5 है, पाई है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 11 है, कुछ इस टाइप के नंबर मिलते हैं कि अंडर रूट के अंदर परफेक्ट, जिनको आप सॉल्व करके पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते। तो अब ये नंबर उसने अपने बैग में डाल लिए, ये नंबर भी उसने अपने बैग में डाल लिए, अब वो बैग को क्या नाम देगा? This question, ये question का answer जो बच्चा ठीक देगा उसको समझ जाऊंगी मैं कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। Irrational number. बेटा under root, yes, under root 25 rational number है, क्योंकि under root 25 को solve करके आप 5 लिखते हो ना। Irrational number,
एवरीवन इरेशनल नंबर का बैग हो जाएगा yes, ये ma'am. सब एग्री करते हैं इस बात से? कौन कौन एग्री करता है? हैंड रेज करो कि इरेशनल नंबर का बैग है. चार बच्चे एग्री करते हैं, पांच बच्चे ओके. अब एक बार एक और चांस देती हूँ. शुरू से चलो, बच्चे के पास बैग था, उसने उसमें नेचुरल नंबर डाले, उसके बाद उसने जीरो डाला तो वो होल नंबर बन गया. उसी बैग में उसने माइनस की टर्म्स डाली तो वो इंटीजर्स बन गया. उसी बैग में उसने कुछ रैशनल नंबर्स, उसने फ्रैक्शन की फॉर्म डाली, डेसिमल वाले नंबर्स डाले तो वो रैशनल नंबर का बैग बन गया. अब उसी बैग में उसने अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 डाला तो मैम रियल नंबर बन जाएंगे सारे. वेरी गुड है ना, वेरी गुड बेटा. ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल है बेटा. पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. ये बैग क्या कहलाएगा, इरेशनल या रियल नंबर का बैग? रियल नंबर. समझ में आया सबको? ये ट्रिक क्वेश्चन था. यस सर, ये रियल नंबर का बैग है. ये सारे इरेशनल है. ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये नंबर इरेशनल है, ये नंबर इरेशनल है. लेकिन जब हम इसको रैशनल के साथ मिला देंगे तब क्या हो जाएंगे? जब हम इसको रैशनल के साथ मिला देंगे ये रियल नंबर्स बन जाएंगे. अब मैं पाई वाले क्वेश्चन पर भी आती हूँ. समझ में आ गया ये? यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना रियल नंबर पर? अब पाई वाले पर आते हैं. जो पाई है, जो पाई की वैल्यू होती है बेटा, वो 3.14 अप टू पता नहीं बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक होती है ना. उसमें डेसिमल रिपीट होते हैं नंबर, और नॉन रिपीटिंग नॉन रिअकरिंग होते हैं. मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है. काजल आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप चार्ट में लिखोगे? आप ऐसे बता दो पाई डेसिमल है, आप ही बताओ मुझे. हम लोगों ने याद होगा आपको कुछ दिन पहले क्वेश्चन किए थे ना, जैसे पाई की वैल्यू 3.14159 26 अब तो बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस है. तो ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है? किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है काजल? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना. और ये नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. 22/7 कैसा नंबर है? इरेशनल. 22/7 और 3.1 ये दोनों कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल. 22 ये मैम बच्चों आप लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आप लोग माइक ऑन करो यार, या तो नेटवर्क का इशू है या क्या. एक बार चैट में लिख दो सब बच्चे. 22/7 कैसा नंबर है? 3.14 कैसा नंबर है? वेरी गुड ओके ओके. बट मैंने अभी तो बोला कि पाई इरेशनल है, ये दोनों तो पाई की वैल्यूज है. काजल आप बोल रहे हो कि 3.14 इरेशनल है, क्यों? मुझे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नजर आ रहा है. मैम जो ये वैल्यूज है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है तो आर्यन आर्यन बेटा 22/7 डायरेक्ट ये p/q की फॉर्म है. p/q की फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है. तो ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना. और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो भी रैशनल नंबर की होती है. तो ये दोनों कंडीशंस तो रैशनल नंबर वाली है ना. ये दोनों रैशनल क्यों है? क्योंकि ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, अप्रोक्सीमेट है. पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक जाती है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट तक पिक करते हैं. बच्चा पहले कंसेप्ट को समझा करो, फिर हम क्वेश्चन पर भी आएंगे. ये चीज सबको समझ में आ गई? आप लोग भूल जाते हो फिर चीजें. सबको समझ में आ गया आप रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबको क्लियर है? ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो क्या होते हैं मैम? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल होंगे बाकी सारे रैशनल. ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टर्मिनेटिंग और
टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों रैशनल होते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये अब ये सबका ठीक होना चाहिए। देखो ये सिर्फ ट्रू फॉल्स में देना है आंसर, बट ठीक होना चाहिए कि इंटीजर इज अ रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर इंटीजर रैशनल नंबर वाले बैग में था तो ट्रू है, अगर नहीं था तो फॉल्स है। बहुत बड़ा हिंट भी दे दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड, अभी तक तो सबने ठीक किया, अभी तक तो सबने ठीक किया है, पांच ही बच्चों ने आंसर किया है। पर फटाफट से करो सर, 5 सेकंड और दूंगी बच्चों मैं, 5 सेकंड और फिर पोल को बंद कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो, ऐसे तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। मैम 2 मिनट। इंटीजर इज अ रैशनल, कुछ देखो एक हिंट देती हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, कुछ इंटीजर्स लिख लो अपने पास, कुछ इंटीजर्स लिख लो, फिर चेक करो क्या वो रैशनल नंबर है, अगर है तो ट्रू कर दो, नहीं है तो फॉल्स कर दो। चलो कोई एक रह गया है, चलो सबने आंसर कर दिया है। अब देखो इंटीजर, पहली बात तो ये रैशनल नंबर, इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर होते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है? Yes, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ये। समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से आपको, अब देखते हैं ये पिछली क्लास में काफी सारे बच्चों के रॉन्ग हुए थे इस टाइप के क्वेश्चन, आज नहीं होने चाहिए रॉन्ग। एडिशन हमें क्या करना है, ऐड करना है रैशनल नंबर को। तो 9 and 8, 9 में ऐड करना है क्या 8 + 7, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट पिछली क्लास में भी काफी बच्चों ने रॉन्ग किया था ये। ओके वेरी गुड, अंजलि और काजल दोनों का ठीक है अभी तक, आर्यन का भी ठीक है और पूजा का भी ठीक है। हिना, ऋतिका और प्रिया आप तीनों रहते हो, प्रिया ऋतिका और हिना कर रहे हो? चलो गुड, ऋतिका का भी ठीक है, प्रिया और हिना आप दोनों रहते हो। नाइन की जगह आप 9/1 भी लिख सकते हो। अब 1 और 7 का चाहे आप एलसीएम लो चाहे मल्टीप्लिकेशन लो, वो 7 ही आएगा, है ना। और फिर आप जब देखो एलसीएम भी सेम आता है और आपका मल्टीप्लिकेशन भी सेम आता है, तो आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। 9 7 = 63 + 8 63 + 8 = 71 डिवाइडेड बाय 7, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे ना, जैसे 9 + 8/7, ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो। 9 7 = 63, 63 में आपने 8 को ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा। मैंने कल की क्लास में भी बताया था ना शायद, मैम, है ना। सो इस टाइप से भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन। चलो अब इसी में ना मैं एक थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन देती हूँ, मुश्किल तो नहीं है बट देना। ओके
ये करना है सॉल्व। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ अभी, ये ऐसे ही करो सॉल्व, ये पोल में नहीं। पोल के क्वेश्चन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, काफी सारे बच्चे मैं देख रही हूँ लीव कर गए क्लास। आज शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या, बारिश हुई थी? ओ मैम, चलो आर्यन ने कर भी लिया है, ओके गुड। अंजलि ने भी कर लिया है, काफी फास्ट कैलकुलेट कर लिया आपने, वेरी गुड। चलो अभी मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, लिखो आंसर। प्रिया, रितिका, काजल, आप तीनों का हुआ? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करो। हिना, आपका कितना आया? मैम मेरा थोड़ी है। कितना? 10 समथिंग, 10/6 इस तरह कुछ आ रहा है मैम। ओके, पहले मुझे बताओ इन दोनों का एडिशन कितना आया? 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 4 का 12 माइनस 7 4 का माइनस 28, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, ये आया सबका, पहले बताओ ये यहाँ तक ठीक है? Yes, now this is equal to minus 22 divided by 12 plus 1 upon 2, ठीक है? Now this is equal to 12 और 2 का LCM 12 ही होगा, 12 ही होगा ना? Minus 22 plus 2 6 जा 12, so 1 6 जा 6. Now this is equal to minus 16 divided by 12. मैम मैंने ना यहाँ पे 2/4 की जगह 2/3 ले लिया। कहाँ पर? यहाँ पे मैम। ओके, बट फिर सबका सेम कैसे आ गया? अगर अंजलि ने -7/6 लिखा, सभी ने -7/6 लिखा, हाँ? या मैंने कहीं पर गड़बड़ करी, क्योंकि मुझे -8/ कहीं मेरे से किसी स्टेप में गड़बड़ हुई है तो बताओ। तो सबने सेम मिस्टेक करी है मैम, मेरा यहाँ तक तो आ गया था, बट आगे कुछ और ही किया कर दिया मैंने। मैम माइनस प्लस मैंने कर दिया था, ओके, इसलिए मैम मैंने काटा ना, जब वो 11 की जगह 12 लिख दिया था, इसलिए माइनस में दिक्कत हो गई। ओके ओके, आर्यन आपकी क्या मिस्टेक हुई थी? चलो तो -8/6 आ रहा है ना, उसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो -4/3 आएगा, आएगा या आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 4 16, 4 3 12। हाँ मतलब कभी कभी हो जाता है, हम सेम मिस्टेक करते हैं। ओके ओके ठीक है, सो -4/3 इट इज, है ना? चलो अभी एक क्लास मुझे लगता है मैं और देनी पड़ेगी रिवीजन को, है ना, क्योंकि थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे शायद आप लोग बीच बीच में भूल गए हो, जैसे रैशनल नंबर वाला हो गया, है ना? यस मैम, है ना, तो एक क्लास और रिवीजन की कर लेंगे, बट उसमें सब लोग रहना, तभी फायदा है क्लास का।